हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ठीक है ना। और हमने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, या हम कहें कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं, उसके बाद वो बेटे कितने तरह के होते हैं, फिर आपने कहा उनका ऑर्डर और डिग्री, और लास्ट में हमने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप हेडिंग बेटे डाल सकते हो सॉल्यूशन ऑफ, हम बेटे कहें डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना। अब बेटे अपने सिलेबस में केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड आपसे कहा जाए फर्स्ट डिग्री ही सिलेबस में है। अब अगर हायर ऑर्डर है या हायर डिग्री है तो बेटे वो या तो क्वालिटी फॉर्म में चला जाए, यानी किसी तरह से उसको हम एज इक्वेशन सॉल्व करके फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में ले आएंगे, ठीक है ना। यानी हमें जो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होगा, हम बेटे उसी को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। यानी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब बेटे इसमें जो मेथड्स हैं, तो बेटा पहली मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी फर्स्ट मेथड इज बेटे आपसे कहा जाए दैट इज वेरिएबल, हम आपसे कहें सेपरेबल फॉर्म। यानी ध्यान दो बेटा, यानी ऐसी इक्वेशन, ठीक है बेटा, जो देखिए एन इक्वेशन विच कैन बी रिटर्न एज आपसे कहा जाए एफ एक्स डी एक्स प्लस जी वाई डी वाई इजक्वल जीरो। यानी बेटे ऐसी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर दें, यानी वेरिएबल सेपरेबल इसका नाम है। यानी बेटा सारा जो x का फंक्शन है वो डी एक्स के साथ, और जो y का फंक्शन है वो डी वाई के साथ, यानी x डी एक्स के साथ y डी वाई के साथ। यानी हमने x और y को बेटे क्या किया, सेपरेट कर दिया। जैसे अब अगर इसको सॉल्व करना होगा तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी वाई डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी इक्वेशन दिया होगा, उसको सॉल्व करने का मतलब हम बेटे एक्स और वाई को क्या करेंगे, हम सेपरेट कर देंगे, यानी सारा एक्स डी एक्स के साथ और पूरा का पूरा वाई डी वाई के साथ, और इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है बेटा। इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है ना, ओके। तो बेटे हम क्वेश्चन की बात आपसे करें, देखें, ओके, समझ गए बेटा। यानी इस तरह से x को ds के साथ y को dy के साथ लिखने के बाद हम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, ओके। अब देखिए, यानी पहला फॉर्म बेटे हम कर रहे हैं, आपसे कहा जाए बेटा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है ना। देखिए आपसे हम कहें बेटा एक सवाल, क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आपसे कहा जाए बेटा सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखिए बेटे हम देखें, तो देखिए यहाँ पे x के साथ डी वाई है, y के साथ डी एक्स है, तो हमें बेटा वेरिएबल सेपरेट करना होगा, डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपान, ठीक है, सॉरी डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी बेटे हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बेटा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसका कितना हुआ, दैट इज बेटा देखो दिस इज, हम आपसे कहें टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू
tan inverse x, अरे बेटे यहाँ हम चाहें तो उस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम tan inverse c में ले लें, ठीक है ना, प्लस आपसे कहा जाए दिस इज tan inverse c, एक सिमेट्री आ जाएगी बस, ठीक है ना, उससे बहुत ज़्यादा मतलब हमारा नहीं है, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपने कहा देखो इसका मतलब बेटे कितना, दैट इज tan inverse y माइनस tan inverse x इज इक्वल टू बेटे tan inverse c, यानी आपसे कहा जाए दैट इज tan inverse y माइनस tan inverse x इज इक्वल टू बेटा tan inverse c, दैट इज दिस इज tan inverse y माइनस x अपॉन वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan inverse c, बेटे हमारा आंसर आया y माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू बेटा हम आपसे कहें c, ठीक है ना। तो ये बेटे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया, और आपने कहा ये बेटा जनरल सोल्यूशन है, आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, यानी आंसर के तौर पर y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी इंटू वन प्लस एक्स वाई, ठीक है ना बेटा, c इंटू वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। ओके बेटे, और ये है इसका जनरल सोल्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। अब अगर कोई कंडीशन होती जिससे हम c की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर पाते तब वो होता पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगला सवाल बेटा, राइट डाउन, आपसे कहें हम सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए लिख लिया आपने, यानी बेटा ये पहला तरीका है, यानी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, हम क्या करते हैं x को dx के साथ और y को dy के साथ, यानी x के पूरे टर्म्स को dx के साथ और y के पूरे टर्म्स को dy के साथ। आपसे कहा जाए बेटा एक सवाल है dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दैट इज e के पावर x माइनस वाई, देखो बेटा e रेज द पावर x माइनस वाई प्लस आपसे कहा जाए बेटा x स्क्वायर e के पावर माइनस वाई डी एक्स, ठीक है बेटा x स्क्वायर और e रेज द पावर माइनस वाई, ये है बेटा हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब बेटे देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखिए आप दिस विल इम्प्लाइज, देखो बेटा डी वाई इज इक्वल टू, देखो या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटे यहाँ से हम देखो ए की पावर माइनस वाई हम कॉमन लेंगे कितना आगे बेटा ए की पावर एक्स प्लस बोलो एक्स स्क्वायर, यानी बेटे अभी कितना बनेगा इधर आ गया, यानी ए की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस e द पावर एक्स डी एक्स, आपने बेटा वेरिएबल सेपरेट कर दिया, यानी देखो जो y का फंक्शन है y का टर्म है dy के साथ x का ds के साथ, अब इसको हम बेटे इंटीग्रेट कर दें बस, ठीक है ना, यानी इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल e द पावर y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस e के पावर एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी बेटा कितना आ गया है e के पावर y इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस, ठीक है ना, e द पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बेटे आंसर आ गया। यानी अब इस रिलेशन से जब आप c को एलिमिनेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके, यानी बेटा इस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल मेथड में अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बेटा हमें x को रखना होगा ds के साथ, y के पूरे टर्म्स को रखना होगा dy के साथ, और देन बेटा हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है। ओके, अब बेटा लिखे राइट डाउन, हम आपसे कहें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन है बेटा, आपसे कहें हम पहले आप इसको नोट करो बेटे, ठीक है, क्वेश्चन है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स,
y माइनस x dy by dx इज इक्वल टू a। अब बेटा आगे है y, ठीक है ना, y स्क्वायर प्लस dy by dx, a इंटू y स्क्वायर प्लस dy by dx, ठीक है ना। देखिए बेटा, यानी हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो कैसे बेटा, ध्यान दीजिए। अब आपसे कहा जाए बेटे कुछ ऐसा, देखो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, बेटे इस इक्वेशन को एक बार हम सिंप्लीफाई कर दें। देखिए क्या आ जाएगा, ये बेटा आएगा दैट इज y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बेटा ए डी वाई बाई डी एक्स, यानी कितना आ जाएगा ये बेटा y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और अब बेटे हम यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, यानी आप देखो तो क्या बन जाएगा ये dy अपॉन, देख बेटा दैट इज दिस इज dy अपॉन y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है ना। और ये बेटा वेरिएबल सेपरेट हो गए, विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और बेटे सॉल्व करने के लिए हमें इसको करना होगा बेटा इंटीग्रेट, यानी आपसे कहा जाए दैट इज देखो डी वाई अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर को बेटा हम इसका अगर पार्शियल फ्रैक्शन बना लें तो बन जाएगा वन अपॉन वाई, देखो वन अपॉन वाई प्लस का बेटा दैट इज ए अपॉन वन माइनस ए वाई, ए अपॉन वन माइनस ए वाई, ठीक है बेटा वाई कॉमन लोगे तो वन माइनस ए वाई टी वाई इज इक्वल टू बेटा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। अब इसको बेटे इंटीग्रेट कर दें, यानी इंटीग्रल वन अपॉन वाई ए अपॉन वन माइनस ए वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बेटा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करोगे बेटे तो क्या आ जाएगा, ये अभी आ जाएगा दिस इज आपसे कहें हम वन अपॉन वाई का लॉग वाई प्लस बेटे ए अपॉन वन माइनस ए वाई, तो उसको टी मान लोगे आप तो माइनस का लॉग वन माइनस ए वाई माइनस लॉग वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू बेटा कितना दैट इज लॉग एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये हमारा बेटे आंसर आ गया, यानी log y इज इक्वल टू लॉग वन माइनस ए वाई प्लस लॉग, देखो सारे बेटे log में हैं तो इसको भी हम क्या करें, हम बेटा log c मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी हम log c मान लेते हैं, ठीक है ना। और बाकी आप आगे बेटा सॉल्व कर दो तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है ना, समझ गए आप। यानी बेटे इस फॉर्म में क्या करते हैं हम x को ds के साथ और y के टर्म्स को dy के साथ, और फिर हमें सिंपल इंटीग्रेशन यूज करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सॉल्व अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, एक सेकेंड बेटा, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बेटा हमें सवाल सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से आप इसके फैक्टर करोगे आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस आपसे कहा जाए एक्स वाई और बेटा डी वाई बाई डी एक्स। और अब बेटे यहाँ से ये कितना हो जाएगा डी एक्स अंडर रूट देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर ध्यान दो बेटी दैट इज कितना अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स प्लस बेटा अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई ही होगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स प्लस बेटा ये शायद उल्टा आएगा यानी प्लस का बेटा वाई अपॉन अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। और अब बेटे हम इसको इंटीग्रेट कर दें नाउ इंटीग्रेटिंग ठीक है ना आपसे कहा जाए नाउ इंटीग्रेटिंग बेटा इंटीग्रेट करोगे तो वन प्लस देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। अब बेटे क्या करना होगा आप वन प्लस देखो एक सेकेंड बेटा दैट इज हम आपसे कहें इंटीग्रल अंडर द रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल वाई अपॉन अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। बेटे इन दोनों को हम इंटीग्रेट करना है और देखिए बेटे इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करो आप वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप बेटा टी स्क्वायर मानिए यानी आपसे कहा जाए देखो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी यानी बेटा डी एक्स हो जाएगा दैट इज टी अपॉन एक्स डी टी समझ गया। तो एक्स को बेटा एक्स को तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा यानी आपसे कहा जाए दैट इज वन प्लस देखो एक्स बेटे कितना हो जाए अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन ये तो हटाना पड़ेगा ओके देखिए डी एक्स देखो बेटा डी एक्स ये एक्स है ना यानी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू या डी टी अपॉन बेटे कितना एक्स और एक्स का मतलब अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन दैट इज दिस इज डी टी अपॉन यहाँ से अंडर रूट बेटा टी स्क्वायर माइनस वन ठीक है। चलो इसको बेटे इधर इंटीग्रेट कर लेते हैं हम यानी इसका इंटीग्रल बेटे कितना आ गया यानी ये कितना हो गया दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू बेटा टी भी तो आएगा टी डी टी अपॉन यानी अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है ना। देखो बेटे इसका इंटीग्रल यहाँ कर रहे हैं इधर देखो आप दिस विल इम्प्लाइज ये बेटे इंटीग्रल क्या बन जाएगा इंटीग्रल देखो ये टी और टी यानी टी स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर डी टी अपॉन अंडर रूट बेटा टी स्क्वायर माइनस वन यही बनेगा ना टी स्क्वायर डी टी अपॉन ठीक है ना टी स्क्वायर माइनस वन ठीक है। देखो एक्स बेटा एक्स स्क्वायर होगा टी स्क्वायर माइनस वन तो एक्स हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन ठीक है ना और एक्स डी एक्स हो जाएगा बेटा डी टी यानी एक एक्स और आ जाएगा ना ये तो ये कितना ये बन जाएगा बेटा टी स्क्वायर और आपसे कहा जाए माइनस वन ठीक है। अब इसको आप प्लस वन माइनस वन कर दोगे तो कितना हो गया ये वन देखिए यहाँ माइनस वन प्लस यानी वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन ठीक है बेटा और वन का इंटीग्रल टी हो जाएगा और यहाँ देखो ये बेटा अभी इंटीग्रल साइन में है यानी डी टी दैट इज टी प्लस ये बेटा वन अपॉन टू देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी वन अपॉन टू ए वन है वन अपॉन टू लॉग टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन और बेटा टी की वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है ना बेटा टी की वैल्यू आएगी
अंडर रूट, देखो 1 प्लस बेटा एक्स स्क्वायर हमने टी स्क्वायर माना है, ठीक है ना। बोलो अभी बेटा ये इसका इंटीग्रल है और इसका कितना आएगा, यहाँ बेटा सिंपल सी बात है, आप 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी मान लेना तो वाई डिवाइड में निकल जाएगा, यानी इसका इंटीग्रल हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी प्लस बेटे अंडर रूट कितना आएगा ये 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ बेटे सी। आंसर क्या होगा, दिस प्लस दिस इंटीग्रल प्लस का सी और टी की वैल्यू बेटा पुट कर दोगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अब फाइनल आंसर हम बेटा लिख दे रहे हैं इधर। देखिए अब बेटे फाइनल आंसर है टी का मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बेटा प्लस का 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बेटे अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बेटा फाइनल आंसर हुआ। समझ गए, ओके। अब देख बेटे ध्यान दें, अब हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए समझ गए ना, देख बेटा सिंपल सिंपल इंटीग्रेशंस हैं, ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। और बेटे हम अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। चलो देखो देखो बेटा, अब आपसे कहें हम, देख बेटा सवाल है सॉल्व। देखो अब बेटा ध्यान दो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व हुज स्लोप, देखो क्वेश्चन बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व हुज स्लोप whose स्लोप, हम आपसे कहें dy by dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू वाई अपॉन एक्स, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एंड पासिस थ्रू वन कॉमा वन, यानी बेटा अब ये 1,1 से पास हो रहा है, यानी अब बेटा ये क्या देगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर कर्व देगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है भाई एफ एक्स प्लस सी ये तो पैरेलल आप कर देगा, लेकिन अब वो अगर 1,1 से पास होगा तो कर्व फिक्स हो जाए, यानी यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम बेटे क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो बेटे पहली बात, ये इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, वेरिएबल बेटा सेपरेबल है, यानी आप क्या कहोगे डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू बेटा कितना डी एक्स अपॉन एक्स और टू देख लो बेटा आप यहाँ इंटीग्रेट करोगे कितना आ जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक बेटे यही आएगा ना, यानी लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, अच्छा अब ये 1,1 से पास हो रहा है, एक्स वन वाई वन, तो एक्स को वन दोगे लॉग वन जीरो, यानी बेटे यहां से आपने कहा लॉग ऑफ सी इक्वल टू जीरो, यानी सी इक्वल कितना आ गया वन आ गया, यानी सी की पर्टिकुलर वैल्यू बेटे क्या आ गई, बोलो दैट इज वन, आई बात समझ में, बोल बेटा। और लॉग सी कितना जीरो हो गया, यानी अब देख बेटे जब आपने इसको, अच्छा आया क्या हमारे पास, मिला बेटा log y इज इक्वल टू log x स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, समझ गए। देखो हमने बेटा इसको इंटीग्रेट किया log y 1 अपॉन y log y कितना बेटा 1 अपॉन y dy log y ये 2 log x प्लस log ऑफ c, और चूंकि 1,1 से पास हो रहा है तो इसमें हमने क्या किया x को 1 y को 1,
log 1 0 log 1 0 log c 0 में c is equal to 1 I was on me और जब c is equal to 1 होगा log 1 0 हो गया यानी log y is equal to 2 log x यानी x square तो y is equal to x square is the equation of the curve ठीक है और बेटे देखा जाए तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन था यानी अब इस आंसर में बेटे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है ठीक है इसमें बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटे नहीं है ठीक है ना ओके चलो नोट करो बेटे अब देखो सवाल है बेटा लिखिए इफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ठीक है ना e की पावर x प्लस वाई क्वेश्चन बेटा इफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e रेज द पावर x प्लस वाई ई बेटे दिया हुआ है एंड इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू वन And it is given that for x is equal to 1, y is equal to 1. ठीक है बेटा? And बेटा, it is given that for x is equal to 1, y is equal to 1. बेटा, question है, find y when x is equal to minus 1. Find y when x is equal to minus 1. तो पहली बात बेटा, पहले हम इस differential equation को सॉल्व करें, फिर ये x1, y1, यानी x is equal to 1 पर y भी कितना 1 है, यानी 1 common से पास करेगा, तो constant of integration मिल जाएगा, उसके बाद y की value हमें निकाले x is equal to minus 1 पे, खैर, अब बेटा कितना होगा ये, ये हो जाएगा dy upon dx is equal to e की पावर x into बेटा e की पावर y ठीक बेटा यानी dy upon ठीक बेटा ओके तो क्या बनेगा ये इंटीग्रल e की देखो सॉरी यानी बेटा e रे द पावर माइनस y dy is equal to e की पावर x dx हम बेटे इंटीग्रेट कर दें इंटीग्रेटिंग कितना आएगा इंटीग्रल यानी e की पावर माइनस वाई देखो माइनस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x प्लस बेटे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कितना आ गया दैट इज बेटा e रे द पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है ना अब बेटे x is equal to 1 पे y 1 यानी e raise the power 1 plus e की power minus 1 is equal to बेटे c यानी c की value आ गई e plus e the power minus 1 ठीक है ना बेटे इसका मतलब अब इसका particular solution क्या हुआ यानी particular solution is e x plus e की power minus y is equal to e plus e raise the power minus 1 ये इस क्वेश्चन का यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला अब ये कह रहा है अब हमें y बताना है अगर x हो बेटा minus 1 ठीक है ना अगर x हो minus 1 यानी अब y की वैल्यू देखो बेटे when x is equal to minus 1 यानी आपसे कहा जाए e to the power minus 1 plus e to the power minus y is equal to e plus e to the power minus 1 yani bete y is equal to kitna aa gaya ye minus 1 aa gaya y is equal to minus 1 samajh gaye beta okay to dhyan do
इस तरह से हमें अगर फॉर्म हमारा वेरिएबल सेपरेबल है तो बेटे वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हम सारे x को ds के साथ और y को हम dy के साथ ले जाएंगे, ठीक है, बोलो भाई। और बेटे अब आपको समझाया होगा कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या फर्क है। जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई न कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी जिससे हम उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब बेटा सेकंड फॉर्म है, देखिए ऐसे इक्वेशंस जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएं टेकिंग सम सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट डाउन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है ना। आपसे कहा जाए रिड्यूसेबल टू वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान दो, देख बेटे इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं होगा लेकिन उसको बेटे हम सर्टेन सब्स्टिट्यूशन लेके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो बेटे हमारा इक्वेशन है, हम आपसे कहें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ हाफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है बेटा। अब इसको अगर हम ऐसा करें, हम बेटा पुट करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू टी, तो बेटे अब यहाँ देखिए ध्यान देना, यानी हमने वेरिएबल बेटा चेंज किया है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से हमें देखो इसको हम x के विद रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी बेटा a प्लस बी और आपसे कहा जाए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी बेटा अब यहाँ से हमें देखो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ डी टी बाई डी एक्स, यानी कितना वन अपॉन बी, बोलो वन अपान बी डी टी बाई डी एक्स माइनस ए, दैट इज वन अपान बी और डी टी अपान डी एक्स माइनस ए, ठीक है। अब बेटे ये अगर इसको यहाँ पुट कर देंगे तो t का फंक्शन, अब ये t और x में वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, आई बात समझ में, ये बेटा t और x में ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी हम इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आफ्टर टेकिंग सम सर्टेन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ओके। अब जैसे बेटा हम बात करें सवाल की, राइट डाउन एक क्वेश्चन बेटे, देखिए ध्यान दो आप, आपसे कहा जाए सॉल्व, लिख बेटे इतना लिख लिया आपने, ये नोट करो, फिर बेटा आगे देखिए, आपसे कहा जाए क्वेश्चन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स, हम आपसे कहें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये बेटा इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस बेटा कॉस एक्स प्लस वाई, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। दे बेटा आप एक्सपेंड करोगे तो साइन ए कॉस वाई सब साथ में आ जाएंगे, यानी ये एक्स और वाई में वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करें, हम आपसे कहें लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, यानी बेटा वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी बेटा आपसे कहा जाए
dy upon dx is equal to dt upon dx minus 1, ठीक है ना? यानी अब बेटा क्या होगा? अभी हो जाएगा that is dt upon dx minus 1 is equal to बेटा sin t और प्लस हम बेटे कहें cos t, समझ गए? यानी अब बेटा dt by dx क्या बनेगा हमारा? ये बन जाएगा देखो, this will implies ये बेटे ये 1 प्लस हो जाएगा, यानी आप कहोगे dt upon dx is equal to 1 plus cos t plus sin t, यानी बेटा अब क्या हो गया dt upon 1 plus cos t प्लस बेटा sin t is equal to dx. अब इंटीग्रेट कर दो dt upon 1 plus cos t plus sin t is equal to integral dx plus constant term integration. ये पीटे पता है आपको a plus b cos x plus c sin x. हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं? sin और cos को बेटा tan के टर्म में ले जाते हैं, याद है ना? यानी क्या करोगे आप? दे बेटे इसके बाद एक क्वेश्चन में छोड़ूंगा, ठीक है ना? आपको पता है हमने आपके फॉर्म पढ़ाया हुआ है कि dx upon a plus b cos x plus c sin x. आप क्या करते हो? sin और cos दोनों को tan के हाफ एंगल में, यानी क्या लिखते हो? sin x is equal to 2 tan x upon 1 plus tan square x. ऐसे बेटा cos x is equal to 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. फिर बेटे आप tan को t मानते हो, ऊपर से होता dt बन जाता, ठीक है ना? आई बात समझ में? बोल बेटे कल लोगे इंटीग्रल या करूं मैं? कल लो बेटा, ठीक है, ओके, ध्यान दो बेटे. आई बात समझ में? बोलो भाई. अच्छा अब देख बेटा, यानी जब आप बेटे इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा. फाइनल आंसर क्या होगा लिखूं या? देख बेटा चलो इंटीग्रेट कर देते हैं. देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 टू सी थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ऊपर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? एक कॉमन आएगा, फिर ऊपर जाएगा sin थीटा बाय sin t को आप लिखो 2 sin t by 2 और बेटा cos t by 2, ठीक है ना? 2 sin t by 2 cos t by 2 और ये होगा 2 sin स्क्वायर. एक सेकंड बेटा हम कर ही देते, ठीक है ना? इतना नोट कर लो. पहले आप हमने x plus y को t माना तो 1 plus dy by dt हो गया. देख बेटे अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है ना, कितना हुआ ये? That is integral dt upon कितना बेटा? 2 cos square t by 2 plus that is आपसे कहा जाए 2 sin t by 2 cos t by 2, ठीक है बेटा? अब देखो ध्यान दो, अगर बेटे हम cos square t by 2 कॉमन ले लें तो ऊपर क्या बन जाएगा? ये sec square t by 2 और नीचे बेटा 1 plus 2 यहाँ कर दिया जाए 1 plus कितना बनेगा? ये tan t by 2 और dt is equal to यहाँ क्या बना? x plus c, ठीक है? अब बेटे आप 1 plus tan t by 2 को आप t मान लीजिए, ठीक है ना? ये बेटा पूरा dt चला जाएगा और log 1 plus ये बेटे कितना हो जाएगा? आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी आंसर आएगा दैट इज हम आपसे कहें log 1 plus tan t by 2 is equal to x plus c और t की वैल्यू कितना? x plus y, यानी फाइनल आंसर आपके सामने है दैट इज log ऑफ हम आपसे कहें 1 plus बेटा tan x plus y
अपॉन टू इज इक्वल टू बेटा x प्लस सी, समझ गए बात को, ठीक है ना। यानी बेटा हम अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो भी हम बेटे उसको बाय सर्टेन सब्स्टिट्यूशन हम बेटे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। ओके अब चलो बेटा आप एक दो बेटे होमवर्क लिखिए, ठीक है बेटे ना। तो सिंपल इंटीग्रेशन आएंगे वो बेटा आपको करना होगा, ठीक है। चलिए आप देखिए, चलो बेटा होमवर्क क्वेश्चन वन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। आप लिख दे बेटा दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या करना आपको, आप x माइनस वाई को t मानोगे, ठीक है बेटा। यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन दोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू t, ठीक है ना। फिर बेटे दूसरा सवाल है आपसे कहा जाए, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा सॉल्व द डिफरेंस क्वेश्चन डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये बेटा 4x प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर 4x प्लस वाई प्लस वन का बेटा होल स्क्वायर। बेटे यहाँ क्या करोगे आप सब्स्टिट्यूशन लोगे 4x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और तीसरा बेटा सवाल है जो बेटे आपको सॉल्व करना है दैट इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस ए, ठीक बेटा एक्स प्लस वाई माइनस ए अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस बी एक्स प्लस वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ए अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस बी। ये बेटे तीन सवाल, यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ बेटा आपको सब्स्टिट्यूशन लेना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, ठीक है। ओके ठीक है बेटा, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, ठीक है। अदे बेटे अब आंसर देखो जिस फॉर्म में इंटीग्रेट करोगे तो थोड़े आंसर बेटे चेंज हो सकते हैं, इसको टी मानना है यहाँ इसको टी मानना, ठीक है। यानी ये बेटा जब आप ये सब्स्टिट्यूशन लोगे तो आपकी इक्वेशंस क्या होंगी टी और एक्स में वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी डी टी बाई डी एक्स में इक्वेशन बनेगी और फिर आप बेटा टी और एक्स में ये वेरिएबल बेटे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके ये तीन सवाल आपके होमवर्क, ठीक है बेटा। और अगली क्लास में हम थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा। चलो नोट करें आप इतना पहले, ठीक है। और बेटा ये तीनों सवाल वीडियो, ठीक है ना, ध्यान देना लेक्चर देखने के बाद आप तुरंत ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके okay?